da sila kasi wasu na kul wakti da raw wasu labas ang pambali ko di rawa ko o dun ko yung basa basan basa basmat ya kaw kama kakari yu ko basi basmat ya kaw basi ko kama kakari yu da was gora da 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 ka da ka sang ko lagi o ariyan dito yung basi ko kapo ko so ya dito ko da basalla de fe la física de la mejor hasta la barba nada que te gusta jatarle la ruta jatarle me compa el rudy si la barba Lara o allí se ve un jate de estoy en jate de estoy en jate de estoy de largo de para cual de sin de que es a la ley de la bala que fue Lara la suerte de la vecina o la área Kareban yo pulong pulong batlo kilo बड़ी रिजिया की सेवा अरे को बुदा खुदे उखवार का Guara tabai da tabai tabai kiamat da kiamat ya allah khair ya allah khair ya allah khair ya bismillah pan rakim la ilaha illallah muhammad rasulullah ya pak parwardigar ya allah ya allah tabai da ही नजर आ रही है। कालाम में सबसे बड़ा होटल पानी बहा ले गया, सैलाब का रैला आया और कई बिल्डिंगें अपने साथ ले गया है। इस वक्त कालाम का होटल आप देख सकते हैं जो कि सैलाब की जद में आकर तबाह हो गया। इसी तरीके से बिल्डिंग्स भी गिर रही हैं, साथ में हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियां भी इन रैलों में बहती हुई आगे बढ़ रही हैं। इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं और लोग भी इन होटल्स को गिरता देख कर काफ़ी ज़्यादा दहशत में मुबतला हो गए हैं।
ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये भी सैलाब की वजह से एकदम तबाह हो जाती हुई नज़र आती है। और ये सबसे बड़ा होटल कहा जा रहा है और इस होटल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर है। और इसके बाद आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि होटल भी इस सैलाबी रैले की वजह से पूरी तरीके से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। साथ ही हम दीगर इमारतें भी देख रहे हैं जो कि सैलाबी रैला बहा ले गया और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स यहाँ पर तबाह हो रही हैं। तो कलाम में ये सूरत हाल है, बहरीन में ये सूरत हाल है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उनको रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ ऑपरेशन बढ़ाया जाए। कलाम का हनीमून होटल सैलाब के जद में आकर तबाह हुआ। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम से। शहजाद बताइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि अब से कुछ देर कबल कालाम में जो सैलाबी रैला आया था वो मुकामी होटलों में घुस गया और जिससे कालाम के सबसे बड़े होटल हनीमून होटल समेत तकरीबन 10 होटल सैलाबी रैले में बह गए हैं। इसके साथ मुतअद्दिद पुल और 4 मसाजिद शहीद हो गए हैं। मैं बताता चलूं कि कालाम में इस वक्त भी सैलाब की सूरत हाल नहायत ही संगीन हो गई और मट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में मकान पर गिरने से तकरीबन 7 अफराद जा बहक हो चुके हैं। 2 लाशें मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब के निकाली गई है और अब तक तकरीबन 10 अफराद जा बहक हो चुके हैं। जो कालाम के होटल है दरियाई सवाब के किनारे जो बने थे उसमें हनीमून समेत 10 होटल दरिया बुर्द हो गए हैं। तकरीबन 12 पुल सैलाबी रैले में बह गए और 10 अफराद अभी तक जा बहक हो गए। जो सैलाबी रैले उसमें वक्ते वक्ते से शिद्दत आ रही है और जो मुकामी नदी नाले हैं, जो खड़ है, सैलाब की जद में आगे और उसमें पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। जो गवरा का मेन मरकजी शाहरा है हयाताबाद बाईपास, उस पर भी सैलाबी पानी जो है ना उस पर निकल आया और जो पुलिस लेन जो कि ट्रेनिंग स्कूल था उसमें भी सैलाबी पानी घुस गया और जो मुकामी लोग हैं इस वक्त वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त भी मिंगवरा शहर और दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और दरियाई सवात और मुकामी नदी नालियों में पानी की सतह वक्त वक्त से बुलंद हो रही है। मुकमा के मुताबिक अब तक गवरा से तकरीबन 2,47,000 क्यूसक का रेला जो है ना वो इस वक्त गुजर रहा है और सैलाब की शिद्दत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। सदब बिल्कुल, और मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। शहजाद ये बताइएगा, जाहिर है अभी तो इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को रेस्क्यू करना है, रिलीफ ऑपरेशन है, लेकिन साथ में जो हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स इस वक्त सैलाबी रैले में बह गई हैं, गाड़ियां बह रही हैं, तो आगे मजीद खतरात कितने हैं, क्या निशानदेही की गई है और क्या एस्टिमेट लगाया गया है? बिल्कुल सर, इस तरह है कि जिले इंतजामिया की जानिब से बहरीन, मट्टा, ख्वाजा खेला और दीगर मुकामात पर सैलाबी रैले के खदशे के पेश नज़र मसाजिद और उसमें तो ऐलानात किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक मुतासरीन की बहाली तोना को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। जो मुकामी लोग दरिया सबात या नशीबी इलाकों में जो लोग मकीन थे वो अपनी मदद के तहत उन्होंने इलाका खाली कर दिया है, वह आज पर उससे महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो गए लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक 3 रोज मिंगवरा शहर के और अभी आज पहला रोज है कालाम वाले रैले के, तो अभी तक इस सिलसिले में कोई असेसमेंट नहीं की गई है और न ही मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। रेस्क्यू 112 WSSC के एहलकार वो तो बहाली के कामों और उसमें ग्राउंड पर मौजूद है लेकिन अभी तक इस तरह कोई दूसरे एहलकार या जो सिविल डिफेंस के हैं वो भी मैदान में है। इंतजामिया की जानिब से फिलहाल कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं जो कि मुतासरीन की बहाली के लिए काम आ सके, लेकिन पहले मरहले में जो लोग मुख्तलिफ मुकामात पर नशीबी इलाकों में या जो दरियाए सवात के किनारे आबाद लोग थे तो उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी शहजाद हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही ही